हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शत्रुघ्न प्रसाद आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं आज अपने खेतों में घूमने के लिए आया हूं। तो दोस्तों, देख ही सकते हैं इधर सब मतलब धान बैठ चुका है और आप लोग को दिखा रहा हूं मैं अपना धान की कैसा है। तो बने रहिए हमारे वीडियो में, आप लोग को दिखाऊँगा ज़रूर कि हमारा धान कैसा है। तो दोस्तों, फाइनली मैं अपने खेतों में पहुँच चुका हूँ और आप लोग को दिखा भी रहा हूँ कि हमारा धान का फसल कैसा है। तो दोस्तों, देख ही सकते हैं इसमें पानी खिलाने के लिए हो गया है और इसको कितना ज़्यादा मतलब जो जानवर होते हैं छुट्टा कितने ज़्यादा चर गए हैं, देख ही सकते हैं चारों तरफ आप लोग, जहाँ देखो वहाँ चर गए हैं। क्योंकि इतना ज़्यादा मतलब यहाँ पे जो बहला होते हैं ना, इतना परेशान करके रखते हैं कि क्या ही बताया। अगर 10 मिनट कहीं चले जाओ घर पे, तो अगर खेत में पहुँच गए तो समझ लीजिए कि पूरा खेत का सत्यानाश कर देते हैं। आप लोग देख कर अंदाज़ा ही लगा सकते हैं, चारों तरफ आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग खेत भी देख सकते हैं और हर चीज़ देख सकते हैं। मैं आपको लेके चलता हूँ दूसरे खेतों में, तो बने रहिए हमारे वीडियो में। तो दोस्तों, इस तरफ का कितना अच्छा धान लग रहा है देख सकते हैं आप लोग, क्योंकि इस तरफ मतलब खाल है, तो मतलब ज़मीन की निचाई पे है, तो यहाँ पे ज़्यादा अक्सर में पानी रहता है, तो इसीलिए इसे धान देख सकते हैं वहाँ पर काला काला नहीं, लेकिन यहाँ पर अच्छा खासा मतलब दिख रहा होगा। तो आपको दिखा रहे हैं दूसरा खेत। तो दोस्तों, मैं अपने दूसरे खेत में आ गया हूँ। ये खेत ये है जो यहाँ से लेकर वहाँ तक है, वहाँ का पहले बैठ चुका था 2 दिन पहले और यहाँ का मतलब 2 दिन बाद में बैठा हुआ है। तो दोस्तों, देख ही सकते हैं इसमें खाद लगाने के लिए अभी नहीं हुआ है, अभी मतलब बराबर पकड़ा नहीं है, और उसमें तो खाद लगाने के लिए हो रहा है, तो सोच रहे हैं कि एक ही दिन मतलब खाद लगाएं सारे खेतों में। तो एक बोरी मतलब खाद ला के रख भी दिए हैं और एक लाएँगे, मतलब 3-4 बोरी लाएँगे और उसके साथ में कुछ और लाएँगे, शक्ति जाए में जो कुछ होता है। तो दोस्तों, आप लोग कमेंट में बताएं कि आप सभी का मतलब धान की रुपाई हो गया है कि नहीं हो गया। वैसे बहुत लोग जो बिहार में होते धान को रुपाई बोलते हैं, हमारे यहाँ तो धान को बैठाया जाता है वैसा बोलते हैं। तो दोस्तों, धन्यवाद। बाकी नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।